हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन देश में पैर पसार रहा है। अब तक देश में लगभग 6000 मरीज हैं और करीब 170 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर अब देश के अलग अलग इलाकों से हॉटस्पॉट निर्धारित कर दिए हैं। ये वो इलाके हैं जो पूरी तरह से सील किए जाने हैं। वहीं हरियाणा में मरीजों की गिनती 160 के पास पहुंच चुकी है। इस बीच लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस वक्त चार मेहमान हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, हालांकि ये इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता अध्यक्ष हैं NETB IMA हरियाणा। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं हमारे साथ, हेमेटोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर पंकज वत्स पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, ये थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर अजय, आपसे आगाज कर रहे हैं। आज की परिस्थिति में अब तक इस लड़ाई का मूल्यांकन अगर करें तो कहां देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, मैं शुरुआत करना चाहूंगा लॉकडाउन से। तो जो जब हमारी असली लड़ाई शुरू हुई थी, लड़ाई का आगाज किया था जनता कर्फ्यू के दौरान। जनता कर्फ्यू के दौरान हमको अंदाजा हो गया था कि ये लड़ाई की शुरुआत होने वाली है और ये एक्सपेक्टेड तौर पे कि लड़ाई थोड़ी लंबी होने वाली है। शुरुआत के रुझानों में, शुरुआत के जो 5-6-7 दिन थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि हम जल्दी ही निपट सकते हैं कोरोना से। लेकिन हम सबको पता है उसके बाद क्या हुआ, उस बारे में हमने काफी चर्चा की है। जो दो इशू हुए थे, निजामुद्दीन का और जो माइग्रेशन का, जिसकी वजह से आज जो स्थिति बन चुकी है। आज अगर आप ये स्थिति देखते हैं, देखिए ये तो तय है कि वैसे सरकार इस पे विचार करेगी और शनिवार को शायद फैसला करेगी लॉकडाउन के ऊपर। ओडिशा सरकार का पहले से आ गया है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन है और स्कूल कॉलेजेस जो है वो 17 जून तक बंद रहेंगे। और काफी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अलग अलग स्टेट्स के, उन्होंने भी कहा है लॉकडाउन सीमा बढ़ाने की। कारण ये है गौरव जी, मुद्दे की बात ये है कि अगर आप रोज देखें, हमारे 500 से 700 केसेस कोरोना वायरस के रोज बढ़ रहे हैं। थोड़ी चिंता का विषय ये है और थोड़ा सा हमको ये देखना है कि इक्का दुक्का एरिया ऐसे है, चाहे वो नोएडा का स्लम है, चाहे वो मुंबई का जो स्लम एरिया है, उनमें जो पॉजिटिव है वो थोड़े ज्यादा बढ़ने लगे। जैसे 4-5 दिन में धारावी में 3 या 4 पॉजिटिव थे, आज जो धारावी में जो संख्या है वो है 13 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। दिल्ली की आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बंगाली मार्केट की। उसमें एक पेस्ट्री शॉप है, उसमें 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। उसके छत के ऊपर आप सोचिए 35 लोग मिले हैं, छत के ऊपर रखे गए थे, एंड दे आर फाउंड इन अ वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन। तो ऐसे जो छुटबुट जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, जो दिन पर दिन हमारे केस को जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं डेफिनेटली। और दूसरी चिंता की बात ये है, पूरे देश के लेवल पे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी अब कोरोना की चपेट में आ रहा है। आपको शायद अंदाजा हो ही गया होगा, आज पहले इंदौर में एक डॉक्टर की, पहले हमारे हिंदुस्तान में जो डॉक्टर है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये दूसरा जो चिंता का विषय, ये पहला तो डेफिनेटली जो है आंकड़े हैं, दूसरा जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इसकी चपेट में आ रहे हैं, ये दूसरा चिंता का विषय है। तो लेकिन इसको देखते हुए अलग अलग सरकारों ने, चाहे वो देश के लेवल पे हरियाणा सरकार है, यूपी सरकार है, दिल्ली सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, सबके मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने एक रोड मैप बना लिया है, इसको तैयार कर रहे हैं। कमर कस ली है कि आगे जो लड़ाई है, शायद अगर हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जाते हैं तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, ये सब रोड मैप धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, अब हमको सिर्फ प्रे करने हैं कि ये केसेस और आगे बढ़े ना हो। ICMR जो हमारी सबसे बड़ी शाखा है, जो डिसाइड करती है टेस्टिंग के ऊपर, उन्होंने ये बोला है, कल मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताई थी, उनकी प्लानिंग है 200 लैब और ऐड करनी है उनको कैसे भी करके। और
उनको जो टेस्ट आपने बहुत सारे पॉइंट्स गिनवाए हैं डॉक्टर गुप्ता, एक एक करके सब पे आएंगे सिलसिलेवार ढंग से। डॉक्टर राहुल जी, एक बात बताइए कि आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को कैसे देखें, सही दिशा में जा रहे हैं या अब लगता है कि पैनिक की सिचुएशन आ रही है? नहीं गौरव जी, बिल्कुल हम पैनिक वाली सिचुएशन में नहीं है, हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। हमारे केसेस कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन से नहीं चल रहे कि 700 से 1400, 1400 से 2000, 2000 से 4000, ऐसे नहीं है। अगर हम पिछले 5 दिन का देखें तो फिगर जो है 500 550 का केसेस का फिक्स है। ये बात पक्की है कि हाँ ये केसेस नीचे नहीं आ रहे, पर ये एक अच्छी बात भी है कि ये केसेस बढ़ नहीं रहे। अगर आज आप देखें पूरे हरियाणा से सिर्फ 2 ही लोग पॉजिटिव आए हैं, 82 सैंपल गुरुग्राम से टेस्ट किए गए उसमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, तो ये एक अच्छी बात है। एक कैथल से पॉजिटिव है और एक पंचकुला से पॉजिटिव है, तो ये बात मानने वाली बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ेगी और ऐसे ऐसे चीजें बढ़ती जाएंगी, टेस्टिंग बढ़ती जाएगी, तो हम लोगों को काबू में लाने में पूरे कारगर होंगे। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा वो इकोनॉमिक हालत पे भी होगी, कोरोना के केसेस पे होगा, बहुत सारी चीजें उसमें जाएंगी अंदर। अभी वायरस की किस प्रकार से काइनेटिक्स है, कितने लोगों को और जमात के लोगों को हमें ट्रेस डाउन करना है, बहुत सारी बातों के बेसिस पे सरकार निर्णय लेगी। इतना आसान निर्णय नहीं रहेगा, पर कोरोना से लड़ना है तो लड़ना है, उसके लिए कोई हम पीछे नहीं हट सकते। तो संतोषजनक स्थिति है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है डॉक्टर नेहा। मैं डॉक्टर राहुल ने जो बोला कि हाँ अभी घबराने की बात नहीं है, लेकिन इस समय हमें डेफिनेटली केयरफुल जरूर रहना चाहिए। और जैसा कि ये भी बोला गया कि आज एक डॉक्टर की मृत्यु हुई है और कुछ डॉक्टर्स एज वेल एज पैरामेडिकल स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आ जाते हैं जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है और पता नहीं होता है। तो इस स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो अभी एक नया टेस्टिंग का हम लोग टेस्टिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं कि हाँ हमें एक्टिव सर्विलेंस करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने चाहिए, वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा अब मरीज को टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है, वो टेलीमेडिसिन पे ही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मोस्टली हो सकता है हम टेस्ट नहीं कराएं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में आप टेलीमेडिसिन के थ्रू अपने फिजिशियन या से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर उनको लगेगा कि हाँ कोविड-19 का टेस्ट जरूरी है तो वो कराया जा सकता है, और उसमें फिर आपको होम कलेक्शन ही हो जाएगा। तो इससे कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार पेशेंट्स को सिर्फ ये नहीं है कि बुखार ही आ रहा है या गला खराब है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोरोना के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। कई बार ये पाया गया है कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ था, जैसे कि अभी एम्स में हुआ, या फिर किसी पेशेंट को पेट में दर्द हुआ या डायरिया हुआ, तो उसको भी ये परेशानी हो सकती है। और अगर ऑलरेडी टेस्ट है मान लीजिए किसी का, तो फिर उसमें हमें चांसेस है कि कॉन्टैक्ट विद द हेल्थ केयर वर्कर थोड़ा कम हो और पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन थोड़ी और कम हो जाए। ठीक है डॉक्टर राहुल, कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए मैं नेहा जी ने आज जो पलटे हैं अपने टेस्टिंग की हाइपोथेसिस से, वो एक सराहनीय बात है। देश में देखिए, देश में एक बहुत बड़ा टेस्टिंग ब्रिगेड थी, और अजय गुप्ता जी से भी इसके बारे में बात करेंगे, एक टेस्टिंग ब्रिगेड थी जो कहती थी टेस्ट करिए टेस्ट करिए टेस्ट करिए। तो नेहा जी ने कितने अच्छे से समझाया डॉक्टर नेहा ने कि देखिए जिन लोगों को खांसी जुकाम बुखार है या लूज मोशंस है या कुछ भी और सिम्टम है उसका टेस्ट करना बिल्कुल है, हम भी यही कह रहे थे। तो एक देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो अमेरिका से प्रेरित होकर कहता था कि टेस्टिंग, सबकी टेस्टिंग करो सबकी टेस्टिंग करो, तो देखिए टेस्टिंग करने से फायदा क्या हो रहा था। अब हम बात करें 85% लोगों तो कोई सिम्टम नहीं होते, गौरव जी को आज कोरोना से ग्रसित हो उनको कोई सिम्टम नहीं है। तो टेस्टिंग जब हम कहते थे, आज बिल्कुल सही बात प्रूव हो रही है कि जब हम टेस्टिंग टेस्टिंग की बात करते थे तो टेस्टिंग करना एक जुल्मा था जिसमें हमारे को यह समझ में नहीं आता कि अमेरिका को इटली को देख के हम सब कहते पूरे देश की 135 करोड़ जनता को टेस्ट कर दो, और पेपर में मीडिया में सरकार का इतना हो रहा था कि आलोचना हो रही थी कि टेस्ट नहीं हो रहे टेस्ट नहीं हो रहे। आज देश किस चीज पे आ गया, जो जो मरकज से निकले, जो माइग्रेंट लेबर है,
जिनको खांसी जुकाम बुखार है, सिर्फ आप उनको टेस्ट कर लीजिए, उनके आसपास के लोगों को टेस्ट कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। तो देखिए गौरव जी, बात हम इतने दिनों से यही कह रहे थे, देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपको समझदारी से टेस्ट करने की आवश्यकता है। अभी भी डिबेट खत्म नहीं हुई, महाराष्ट्र में लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इसलिए ज्यादा नंबर है क्योंकि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सवाल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या रेलवे स्टेशन में खड़े हुए आदमी के हर के टेस्ट करें, क्या जितने अस्पताल घर में लोग बैठे हैं गली 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 नुक्कड़ में सबके जाके टेस्ट करें इसलिए ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं? नहीं, अगर आप देखें पढ़े लिखे और ध्यान से देखें तो टेस्टिंग अभी भी उन्हीं लोगों की हो रही है जो पॉजिटिव आए, जिनका क्लस्टर बना, 25, 26, 40, 50 जितने लोग उनके टच में आए उनका क्लस्टर बना। तो हमारे को यह समझना जरूरी है, ये गेम टेस्टिंग का नहीं है, ये गेम लॉकडाउन का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है और हैंड हाइजीन का है, जिसकी वजह से हमें बचेंगे। ठीक है, डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर साहब, आप तो निदेशक रह चुके हैं स्वास्थ्य सेवाओं के, आपको तो अनुभव भी है, ऐसी परिस्थिति में हम जिस दिशा में जा रहे हैं सही दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देश सही दिशा में जा रहा है। देखिए दो तरह की अप्रोच है, एक है लिबरल अप्रोच, एक है कंजर्वेटिव अप्रोच। हिंदुस्तान कंजर्वेटिव अप्रोच के तरीके से चल रहा है, उसको अपने साधनों के बारे में जानकारी है, अपनी कैपेसिटी के बारे में जानकारी है, उनको ध्यान में रखते हुए वो सही स्टेप्स ले पा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार एक बात अवश्य कहता हूं कि देश के लिए बहुत ही लकी सिचुएशन है कि हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर है और वो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट है। उसका प्रिविलेज, उसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो लैब टेस्ट होने चाहिए जिस तरीके से होने चाहिए उसी तरीके से चल रहा है। दो तरह की सर्वेलेंसेस होती हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव सर्वेलेंस। अभी हम एक्टिव सर्वेलेंस की रूपरेखा पर चल रहे थे, लेकिन अभी पिछले 2-3-4 दिन से जब हेलो जी जी बोलिए बोलिए लेकिन पिछले 2-4-5 दिन से जो हमारे केसेस बढ़ रहे थे जमात के कारण, उसके बाद हमने पैसिव सर्वेलेंस भी शुरू कर दी है। आज ये जो स्पेसिफिक हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके वहां जो पूरा एरिया में जो हम जो कर रहे हैं उसको पैसिव सर्वेलेंस ही कहेंगे जी, यानी वहां पे हम पूरे सारे डोर टू डोर को सर्वे करेंगे और जहां पर भी हमें थोड़ा बहुत भी शक सुबह होगा वहां पर उसकी जांच होगी, उसके सारे टेस्ट होंगे। तो ये तो मतलब आप इसके फेवर में हैं कि रैंडम सैंपल्स लिए जाने चाहिए, या आपको लगता है जो हॉटस्पॉट्स है वहां लार्ज स्केल टेस्टिंग होनी चाहिए? देखिए जो राहुल भार्गव जी ने कहा उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा थोड़ी है, रैंडम का मतलब ये नहीं है कि हम बस स्टैंड पर चले जाएं, रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, या वहां तो कोई मिलेगा नहीं, सब ना बंद है। उसका भी क्राइटेरिया होना चाहिए लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि अभी भी जैसे हमें आभास हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक कोरोना पॉजिटिव केस है, उसके 2 किलोमीटर के एरिया को, अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के एरिया को हमने हॉटस्पॉट माना और वहां जाने के बाद हमने वहां पे हर आदमी को कोरोना वायरस मानते हुए उसको उसका उसका सर्वे किया और अगर कहीं पे भी कोई भी शक है तो उसके सैंपल ले लिए, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव सर्वेलेंस। तो अभी हिंदुस्तान एक्टिव सर्वेलेंस से एक्टिव प्लस पैसिव सर्वेलेंस पे आ गया है। दिस इज ओनली द राइट वे ऑफ प्रोसीडिंग फर्दर इन पैनएपिडेमिक और एपिडेमिक केसेस। जी ठीक है, डॉक्टर गुप्ता शायद कुछ कहना चाह रहे थे। जी गौरव जी, मैं डॉक्टर मेयर से बिल्कुल सहमत हूँ और इन्होंने मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले भी जब वो डिबेट में आई थी, शी वॉज ऑन द सेम वर्ड्स की टेस्टिंग के बारे में, जो उनका रोल था वो बिल्कुल ठीक था और उसी पे वो कायम थी। लेकिन हम उस वाद विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो इस टाइम हिंदुस्तान की स्थिति है उसमें आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग
ये सारी चीजें जो है तो वो है नहीं है, यानी कि आप उनमें से किसी को एक ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। ऑफकोर्स आपको आइसोलेशन तो रखना ही है, गिवन द लॉकडाउन, की लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो लॉकडाउन के बिना तो कोई चारा है ही नहीं। साथ में आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग, ये तो आपको बंद आप किसी कीमत में कर नहीं सकते। और जहां तक आपको टेस्टिंग का है वो हमको स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन फॉलो करनी है, डॉक्टर्स का निर्देश है, डॉक्टर जिसकी जांच कराना चाहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं या हमारा पड़ोसी कह रहा है कोविड की टेस्टिंग करा लो। दूसरी बात, हॉटस्पॉट जो गवर्नमेंट ने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए, आज आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने, यूपी सरकार ने कितनी ऐसी जगहें जो सील कर दी है, 16 जगह मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई किए हैं दिल्ली में जो सील कर दिए हैं, यूपी ने आइडेंटिफाई किए हैं। सील करने के बाद दिल्ली में 21 जगह है सर, उनको सील किया गया है। करने के बाद आप क्या करेंगे? देखिए, सील करने के बाद आपको सर्विलेंस करना होगा, ठीक है, कि कितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के बाद उनको आपको टेस्टिंग ही करनी पड़ेगी सील करने के बाद, कि उस एरिया में और कितने लोग ऐसे हैं जो फैला सकते हैं कोविड-19। तो डेफिनेटली अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको सभी आंकड़ों का पता नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और समझनी है कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो कोरोना कैरी कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे लोग जो कोरोना कैरी कर रहे हैं उनमें सिम्टम्स नहीं है तो कितने दिन तक कोरोना रहेगा? क्या वो एक साल बाद भी वो किसी को दे सकते हैं क्या? नहीं, एक साल तक का तो मतलब एक आदमी में अगर इन्फेक्शन होती है तो फिर ये कोविड-19 यूजली 14 डेज तक रहता है, यूजली ये रिकवर कर जाता है अराउंड 14 डेज के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि एक साल। बट हम लोग यहाँ पे अभी मान के चल रहे हैं कि 28 डेज के आसपास तक केयरफुल रहना चाहिए इस तरह से। और यूजली जब हम सिम्टम्स और एसिम्टोमेटिक की बात भी करें तो एसिम्टोमेटिक जो है मतलब 25-50% लोग एसिम्टोमेटिक रहते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा नहीं। तो ये जो हम टेस्टिंग की डिबेट कर रहे हैं कि टेस्टिंग लार्ज स्केल पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वहां फिर ये वाला फैक्टर तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो सिम्टोमेटिक नहीं है लेकिन उसके पास कोरोना है। डॉक्टर राहुल, देखिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अगर मेरी पॉपुलेशन साउथ कोरिया जितनी होती तो मैं सारे लोगों का घर से पकड़ के टेस्ट कर देता। 135 करोड़ लोगों को आप बताइए ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है कि मैं हर चलते फिरते आदमी को टेस्ट करूं? तो हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लीन रही है, लेट्स चेज द वायरस। अगर एक भी जना मुझे पॉजिटिव मिला मैं उसके आसपास के जितने लोग मिले उनको पकड़ के टेस्ट करूं और उनको रख दूं। अगर आपकी बात माने कि 100% लोग इन्फेक्ट हो जाते, मतलब मेरे को कोरोना और आप दो साथ बैठे हो तो 100% की हो जाते, तो इस हिसाब से तो जमात से जितने लोग निकले, 1000 लोग निकले, वो सब पॉजिटिव आने चाहिए थे। सारे लोग तो पॉजिटिव नहीं आए, टोटल आंकड़ा 5,500 का है, उसमें से 30% लोग ही जमात के हैं। तो इसका मतलब वायरस हमें बहुत सारी चीजें बताता है। वो 1,000 लोग जो एक साथ बैठे हुए थे, अगर वो 14 दिन के बाद भी नहीं आए तो हर आदमी में वायरस नहीं जाएगा, एक बार समझना आवश्यक है। इसीलिए कह रहे हैं चूजी है, क्या चूजी है, अभी कह सकते चूजी है। तो दूसरी चीज ये है कि जब मेरे में 14 दिन तक की मैं बात करता हूं तो वायरस कहां जाता होगा? भाई दर्शक सोचते होंगे ना कि भाई वायरस कहां जाएगा, तो 14 दिन में मेरी बॉडी की इम्यूनिटी खुद आ जाती है। इसीलिए ब्रिटेन के लोगों ने सोचा कि मैं 70% लोगों को अगर हर्ड इम्यूनिटी कर दूं तो मेरा वायरस फैलेगा नहीं आगे, और फैलेगा भी तो बच जाएगा। तो उनका देखिए कितने ऑनरेबल ऑनदे मुंह गिरे, जिसमें 10,000 लोग मर गए, कल 650-700 लोग मर गए। तो आप ये समझिए इस बात को कि ये वायरस अभी भी एपिडेमियोलॉजिस्ट और डॉक्टरों के लिए गुगली है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, क्वेश्चंस के चीजें अनआंसर्ड है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगी। तो जब तक नहीं पता चलती है, जिसको हम चीजों को जानते हैं उसको तो हम रक्षा कर सकते हैं। तो ये डिबेट, हाइपोथेटिकल डिबेट चलती रहेंगी कि हम बहुत सारे लोगों का टेस्ट कर दो तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, मैं आपके कमरे में जितने लोग बैठे हैं, रोशन बैठा है, सबके टेस्ट कर दूं, पर तो उसका फायदा क्या होगा? तो इसलिए ये समझना जरूरी है देश को कि ये जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं, घर में हमने बिल्कुल पहला कदम हमने बिल्कुल सही किया। अमेरिका, इटली, इंग्लैंड ने टेस्टिंग तब चालू करी जब वो कम्युनिटी स्प्रेड में थे, कम्युनिटी में स्प्रेड हो चुका था।
इसलिए उनका ये फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं हुआ और हमारे देश के लिए भी सक्सेसफुल नहीं होगा। टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग फायदा नहीं करेगी। बात अब टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए उस डिबेट को थोड़ा सा साइड में रख के अभी जो मौजूदा सिनेरियो है उस पर आगे बढ़ते हैं। खासतौर से हरियाणा की अगर बात करें, डॉक्टर वत्स आप तो हरियाणा में चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, एक बात बताइए कि ये जो नूह में स्थिति है, ये जो गुरुग्राम में स्थिति है, ये जो फरीदाबाद में स्थिति है, ये जो हॉटस्पॉट्स हैं, क्या आपको लगता है नोएडा और दिल्ली के तर्ज पर इसको भी सील कर दिया जाना चाहिए तत्काल? देखिए, नोएडा की स्थिति, दिल्ली की स्थिति और मेवात की स्थिति इंटायरली डिफरेंट है। मतलब मेवात जो है, मेवात के एक भाग को, हथीन को अलग करके पलवल डिस्ट्रिक्ट में चला गया और बाकी मेवात को नू डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। वहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, वहां पर उसका एजुकेशन लेवल, उसका सोशल स्ट्रक्चर वो इंटायरली डिफरेंट है इन दोनों पर्टिकुलर स्थानों से। अब जब हमें मेवात में जैसे सर आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सील कर दें। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं सुन रहे हैं, बाहर आ रहे हैं घरों से, तो आप ऐसी जगह जहां आप लिटरेसी रेट मान रहे हैं कि कम है, वहां तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए डॉक्टर वत्स का नंबर फ्रीज हो गया है। डॉक्टर राहुल आपके पास, उससे पहले डॉक्टर गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। गौरव जी, आपने अभी हरियाणा के बारे में बात की तो मैं एक अपडेट करना चाहता हूँ। गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन और जो जोनल ऑफिसर्स वगैरह हैं, उन्होंने एक मुहिम शुरू की है डोर टू डोर कैंपेन की। इन्होंने शायद 203 टीमें बनाई है हमारे गुड़गांव की, कि जो डोर टू डोर जाएंगी और हर लोगों से इंटरेक्ट करेंगी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी। ये मेथड है सर्विलेंस मेथड का, डोर टू डोर कैंपेन करने का। ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास मैन पावर है, इफ यू कैन गो डोर टू डोर जा सकते हैं और घर के मेंबर से एक डिस्टेंस रख के, ऑफकोर्स आपको अपना पर्सनल प्रोटेक्शन भी लेने हैं जो लोग जाएंगे पूछने के लिए। अगर घर के सारे मेंबर से आप बात करते हैं, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, कोई दूसरे स्टेट से आया है या कोई बाहर से आया है, तो अगर ये सर्विलेंस भी आप ये हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो ये गुड़गांव का भी एक जो डेटा है आज सामने आया था कि गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने डोर टू डोर सर्विलेंस शुरू की है। और दूसरी बात, जहां तक आपको लग रहा है कि जो हॉटस्पॉट है सील करने की, डेफिनेटली कि हरियाणा सरकार हो सकता है कि इसके बारे में सोच रही होगी, जैसे दिल्ली सरकार और यूपी सरकार ने किया है। और यूपी सरकार का एक अच्छा कदम और आपको मैं बताना चाहता हूं, लॉकडाउन, जिन लोगों ने अब तक लॉकडाउन का पालन नहीं किया है, तो आज ये खबर मिली है कि 39,000 लगभग 40,000 के आसपास FIR दर्ज हुई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया है। और भारी संख्या में, भारी संख्या में लोगों के खिलाफ FIR हो रहा है, चालान हो रहा है और साथ ही साथ उनको फाइन किया जा रहा है। अब इस फाइन को ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है ये लोग कोरोना रिलीफ फंड में पैसे देने के लिए अब सड़कों पर आ रहे हो, लेकिन इन सब के बीच सच तो यही है, जोक सपाट सच तो यही है कि आपको सड़कों पर नहीं निकलना है, लॉकडाउन का पालन करना है। बहुत छोटा सा ब्रेक, चल लौटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले ब्रेक में डॉक्टर राहुल कुछ शेयर कर रहे थे कि गुरुग्राम में कंटेनमेंट एरिया जो है वो 9 बनाए गए हैं, सेक्टर 9 गुरुग्राम, सेक्टर 54 निर्वाणा कंट्री गुरुग्राम, पालम विहार गुरुग्राम, एमोपाम गार्डन सेक्टर 83, लेबनम सोसाइटी सेक्टर 39 गुरुग्राम, विलेज फाजिलपुर जहां से एक बुजुर्ग का नाम आया था, वार्ड नंबर 11 पटौदी और विलेज रायपुर सोहना, यहां से भी मामला सामने आया हुआ था। डॉक्टर राहुल, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है, जो हम अभी तक सुपर लॉकडाउन और जिस फैंसी फैन एंड फेयर से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने घोषणाएं करी, हमारे खट्टर जी ने शांतिपूर्वक तरीके से पकड़ की जगहों को देखते हुए कि नंबर ऑफ केसेस कहां से ज्यादा आए हैं, उन्होंने उस जगह को कंटेन करने की कोशिश करी है। तो जब भी कोई एपिडेमिक होता है या पैंडेमिक होता है या कोई वॉर लाइक जोन जगह होती है या डिजास्टर होता है, तो आप कंटेन करने की कोशिश करते हो। तो 9 जगहों पे आप अपनी पूरी फुल फोर्स लगा दोगे, जो घर टू घर जाएंगे,
पीपी पहन रखा होगा इन्होंने, लोगों के हालचाल पूछेंगे, जिसको बुखार है, कुछ भी खांसी जुकाम है, उसकी टेस्टिंग होगी और उसको आइसोलेट किया जाएगा। इस तरीके से ये जो हाई डिपेंडेंसी वाले यूनिट्स थी, जहां से बार बार केसेस आ रहे थे, भले ही वो विदेश से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो, इस तरीके से कंटेन करने के लिए हमारे को जरूरत पड़ेगी। इस मॉडल को हम भीलवाड़ा मॉडल भी कह सकते हैं, इस मॉडल को हम आगरा मॉडल भी कह सकते हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल्स हैं केसेस को नीचे लाने में। पर आप देखिए, अच्छी बात यह है कि गुरुग्राम में आज एक भी केस नहीं आया और पूरे हरियाणा में सिर्फ दो केस आए, तो कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी बिल्कुल काम कर रही है। सर, गुरुग्राम वाले तो पहले भी खुश हो रहे थे जब लगातार 5-6 दिनों तक कोई केस नहीं आया था, ऐसा लगा कि हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद फिर आना शुरू हुआ तो बढ़ता ही गया। देखिए, एक चीज और बात बहुत समझने वाली बात है, आज एक नई रिपोर्ट आई है, जब अपन बात कर रहे थे चर्चा जाने से पहले कि कितने दिन तक वायरस रहता है, तो आज एक रिपोर्ट आई कि कुछ लोगों में टेस्ट वापस से पॉजिटिव आने लगा है, तो ये बात समझना जरूरी है कि कुछ परसेंटेज लोगों में रिएक्टिवेशन भी हो सकता है। तो वायरस जिस तरीके की गुगली फेंक रहा है इस समय साइंटिस्ट को, यह देखना आवश्यक है। इसीलिए वो 14 दिन से हटा के 28 दिन तक क्वारंटाइन करने की बात चलने लगी है कि 28 दिन तक आप घर में बैठिए जिसको पॉजिटिव आया है कोरोना। ठीक है डॉक्टर नेहा जी, जैसा कि डॉक्टर राहुल ने बोला कि वायरस जो है पॉजिटिव आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट शेडिंग ऑफ द वायरस, मतलब कि वायरस कभी कभी डिटेक्ट होता है इस तरह से। तो नॉर्मली भी जो हम पीसीआर का टेस्ट करते हैं उसकी सेंसिटिविटी 70% ही होती है, वो 100% नहीं होती है, 70% वो पिक करेगा कि हाँ इसमें कोविड-19 का वायरस है। और वो भी कई बार ऐसा होता है कि इंटरमिटेंट शेडिंग की वजह से आप अभी तो नेगेटिव आ गया, लेकिन हो सकता है वो बाद में पॉजिटिव आ जाए। इसीलिए इवन डिस्चार्ज करने से पहले जो पॉलिसी बनाई हुई थी गवर्नमेंट ने, वो ये थी कि 2 टेस्ट कम से कम पॉजिटिव आने चाहिए 24 घंटे में। कुछ देशों में दूसरे तरह का भी प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसमें कि थोड़े ज्यादा टेस्ट भी होते हैं, और अभी जो क्वारंटाइन का इनफैक्ट जो पीरियड है वो भी 28 दिन इसीलिए कर दिया गया क्योंकि ये पाया गया कि कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन इवन 27 दिन बाद भी हो सकती है, मतलब 3-4 हफ्ते लग जाते हैं कुछ लोगों में सिम्टम्स आने के लिए, तो इसीलिए क्वारंटाइन या आइसोलेशन का भी ड्यूरेशन जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये बहुत परेशान करने वाले कुछ फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। पहले तो हम सोच रहे थे कि भाई 14 दिन सतर्क रह लिए, मेजॉरिटी में इतना हो जाता है, पर कुछ लोगों में देखिए रिसर्च तो दिक्कत तो यही बात है कि वही कुछ लोग फिर मेजॉरिटी में पहुंचा देंगे। और देखिए आज आपने एक और सिग्नल देखिए, वुहान में 73 दिन बाद क्वारंटाइन खुला है, लॉकडाउन खुला, तो वहां के इंडियन पब्लिक जो थी, जो केरला के डॉक्टर्स वगैरह जो वहां पे थे, जो रिसर्च साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, मैंने 73 दिन तक पड़ोसी के 3 बच्चे थे उनको गेट के बाहर भी नहीं देखा। तो देखिए कितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, उनका भी एक ही मैसेज है 73 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कि एक ही चीज वुहान में काम करी, वो है लॉकडाउन लॉकडाउन और लॉकडाउन। तो ये बात समझना, और अभी भी लोग निकल नहीं रहे, गाइडलाइंस बिल्कुल ये कह रही है कि मास्क पहनना सबके लिए जरूरी पड़ जाएगा। तो देखिए हम 3 हफ्ते पहले सोचे थे, गौरव जी आप ही के चैनल पर डिबेट कर रहे थे हम सब लोग, कि सब लोग मास्क ना पहने, मास्क की होर्डिंग ना करें, अब मास्क का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो लोगों से को आज की तारीख में मुंबई में पुणे में और दिल्ली में लोगों का मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया कि आज मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे जेब में मास्क होना चाहिए। मास्क कौन सा, या तो घर पे बना हुआ मास्क या सर्जिकल मास्क, N95 मास्क की आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, घर पे पहनना मास्क, ठीक है डॉक्टर, आप हाँ, ही के पास आ रहा हूं मैं वैसे हाँ, कि मैं... घर पे बना हुआ मास्क तो कैसे मास्क बनाए, हमारे यहाँ तो वैसे भी लोग गांव के इलाके में गमछा मुंह पे बांध के घूम लेते हैं गर्मी के दिनों में। देखिए घर पे कपड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए, और आप ही के हरियाणा न्यूज में अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर नुपुर आई थी जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि आप उस पे देख लीजिए कि रोशनी एक पारदर्शी हो रही है कि नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही है तो आप उस कपड़े को आप मास्क के रूप में तैयार कर सकते हैं, और इवन रुमाल को आप नहीं तो आप उसको मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। घर पे आसानी से थोड़ा सा कपड़ा मोटा जरूर होना चाहिए, मतलब रुमाल जैसे स्टाइल में लोग वैसे भी गर्मी के टाइम पे उसको ऐसे डबल किया और वो ट्रायंगुलर शेप जो बन गया उसको मुंह पे बांध लिया, दैट इज सफिशिएंट फिलहाल के लिए। बिल्कुल, मतलब एटलीस्ट हम कुछ ना हो तो एटलीस्ट वो तो करना ही चाहिए, उसी के जैसे महाराष्ट्र में हो गया, या फिर अब तो मास्क कंपलसरी मोस्टली हो ही जाएगा पूरे देश में, ऐसा संभावना है।
इसके अलावा हम इंक्यूबेशन पीरियड की जो बात कर रहे थे, डॉक्टर राहुल ने जैसा बताया कि वो बात सही है, कुछ ही लोगों में 27 दिन का ऐसा पाया गया है कि 27 दिन बाद सिम्टम्स आ रहे हैं। ज्यादातर यही है नेहा जी कि अगर कुछ लोगों में भी आएगा तो वो कुछ लोग फिर बहुत सारे लोग हो जाएंगे, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अब चेंज कर दी है। नहीं तो पहले हम 14 दिन ही कर रहे थे, अब 28 दिन का क्वारंटाइन और क्वारंटाइन कर दिया है। 97.5% लोगों में 14 दिन के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, सर एक बात बताइए, अब तो इन सब चीजों से थोड़ा आगे बढ़ के अगर हम थोड़ा को अगर आप लोगों की भाषा में समझे, तो कल भी जिक्र हो रहा था कि प्लाज्मा जो है, जो ठीक हुए लोग, वो क्या है, वो क्या एक्सपेरिमेंट है? देखिए ऐसा है, शायद ये उस दिन डॉक्टर राहुल ने इसके बारे में जिक्र किया था और शायद मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ, शायद केरला ने शायद ये शुरू किया है। डॉक्टर राहुल अगर आपसे बता पाएंगे तो कर्नाटक एंड केरला, हाँ कर्नाटक और केरला ने इसका शुरू किया है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें बेसिकली हमको डॉक्टर गुप्ता के फोन पर फोन आ गया है, इसलिए लाइव थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर पंकज वत्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज, ये क्या है, ये क्या प्रोसेस है, क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं तो थोड़ा सा कई बार लोगों में डीमोटिवेशन आता है। ये उस दिशा में क्या एक अगला कदम है जब हम कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? गौरव साहब, मैं आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जी हेलो, जी बोले। हाँ गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। अच्छा, मैं आपका एक इम्पोर्टेंट बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक्चुअली जो 14 दिन की बातचीत हम जो बार बार कर रहे हैं, टेक्निकली स्पीकिंग ये 14 दिन नहीं है, 28 डेज का सर्वेलेंस है। क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यह है कि जब तक आपको डिजीज आपको हुई और साइंस और सिम्टम्स आपके उभरने शुरू हुए और आने के बाद भी उसका प्रभाव कितने दिनों तक रहा। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का बुलेटिन रोजाना निकलता है, 8 अप्रैल के बुलेटिन में जो कॉलम नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है कि पर्सन हुए कंप्लीटेड सर्वेलेंस पीरियड ऑफ 28 डेज। ठीक है जी, आज उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। आज जो बुलेटिन निकला है, ये कल का जो बुलेटिन है वो 8 तारीख का जो बुलेटिन है उसमें 28 डेज है ये इसमें। ठीक है, लेकिन आज जो बुलेटिन निकला है उसमें 14 डेज है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये शिफ्ट क्यों है। बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग जो है 28 डेज जो है वो सर्वेलेंस पीरियड है, विच इंक्लूड्स कि आपको इंक्यूबेशन पीरियड में आपको ये इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होने के बाद जब आप आइडेंटिफाई हो गए तो उसके अनदर 14 डेज तक आपको क्वारंटाइन रखा गया। तो ये एक अहम पहलू है, इसके बारे में सरकार को थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि 28 डेज के 14 डेज पे क्यों किया है। ठीक है दूसरी बात यह है कि देखिए सकारात्मक सोच जो है वो कोरोना वायरस से जीतने के लिए सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच यह है कि पूरे हरियाणा में केवल 4 जिलों के अंदर ये ग्रोथ इस इन्फेक्शन की हो रही है। उन 4 जिलों में से भी जो एपी सेंटर है वो मेवात एरिया है। मेवात एरिया से जो केसेस पलवल में टेस्ट हुए या गुड़गांव में आकर टेस्ट हुए या फरीदाबाद में आकर टेस्ट हुए वही पॉजिटिव निकले हैं। तो एपी सेंटर इसमें अगर देखा जाए तो पूरे उसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है मेवात। बाकी जो राहुल भार्गव जी ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो मैं पैसिव सर्वेलेंस की बात कर रहा था, वो पैसिव सर्वेलेंस इन चारों डिस्ट्रिक्टों में ऑलरेडी स्टार्ट किया गया है, गुड़गांव फरीदाबाद पलवल और मेवात के अंदर। पैसिव सर्वेलेंस का मतलब ये रहता है, एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब यह है कि पेशेंट आपके पास आता है या गुरुग्राम में तो सर 9 कंटेनमेंट एरिया भी बना दिए गए हैं। हाँ 9 कंटेनमेंट एरिया भी बना दिए और इसके साथ साथ हर एक आदमी को स्क्रीन किया जाएगा, हर एक घर में डोर टू डोर सर्वे होगा। दैट इज कॉल्ड एज पैसिव सर्वेलेंस कि हम जाएंगे हर घर में पहचान करेंगे, अगर कहीं पर भी हमें फीवर का केस मिला
या हमें एक भी साइन सिम्टम मिला ऐसा, उसी की जांच करेंगे, उसी की लैब टेस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव सर्वेलेंस. तो एक्टिव पैसिव सर्वेलेंस. तो अब हरियाणा में एक्टिव और पैसिव सर्वेलेंस दोनों आ गए हैं. हरियाणा के लोगों को बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा होने की चर्चा को मैं थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगा, ये 14 डेज नहीं 28 डेज. ठीक है सर, ठीक है. डॉक्टर राहुल, मैं जो जिक्र कर रहा था कि क्या वो एक एडवांस स्टडी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो जो आप प्लाज्मा का जिक्र कर रहे थे कि जो लोग ठीक हो गए, देखिए वो क्या है, देखिए ह्यूमंस को बचने के लिए रिसर्च की कंटिन्यूस जरूरत होती है, और कोरोना वायरस एक ऐसा चैलेंजिंग चीज है जो आपको स्टिमुलेट कर रहा है रिसर्च के लिए. अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो इम्यूनिटी की बात समझते हैं, अगर आप कहते हैं 14 दिन में मैं ठीक हो गया, मैं कैसे ठीक हो गया, वायरस अपने आप मर गया, वायरस अंदर कहां गया, 14 दिन के अंदर मेरे अंदर की बॉडी की इम्यूनिटी ने खुद ने वायरस को मारने की प्रतिरोधक क्षमता बना ली. अब बना ली, इसका मतलब मेरे को दोबारा वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा. अब आपको मान लीजिए गौरव जी हो जाता है, आपको सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, प्रोफाइलेक्टिकली है, आप डायबिटिक है, 60 साल के हैं, और आपको दिख रहा है कि आप डिटोरिएट हो रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कितने दिन में आएगी, 3 हफ्ते में आएगी. अब आपके पास समय नहीं है 3 हफ्ते तक, क्योंकि आपका लंग खराब है, 3 हफ्ते में या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या आप ठीक हो जाओगे, पर 3 हफ्ते तक आप काम नहीं कर पा रहे. तो क्या करते हैं, मेरे जैसे आदमी में जिसमें प्लाज्मा में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, जो स्ट्रॉन्ग टाइप की एंटीबॉडी है, मतलब मेरे के अंदर, क्योंकि मैं यंग हूं, मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग टाइप की एंटीबॉडी है वायरस की, तो मैं 200 ml प्लाज्मा निकाल के आप में डाल देता हूं, तो मैं आपकी प्रतिरोधक क्षमता को ऑगमेंट करता हूं. मतलब आपने बहुत बार जो ट्रक या साइकिल वाला बेचारा धक्का नहीं मार पाता होगा, आपने देखा होगा पीछे से एक टांग लगा के ऑटो वाला उसको धक्का लगा के आगे ले जा रहा होता है, तो ये ऑगमेंटिंग द इम्यूनिटी होता है. इस प्रकार से हम आपको आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और वायरस को मारने के काम लाते हैं. तो ये कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा जो है शायद कारगर साबित हो, लेकिन सीवियर केसेस में ट्राई किया जाएगा, सीवियर केसेस में ट्राई किया जाएगा, और बहुत सारी प्रक्रिया चालू भी हो गई. आज बहुत सारे नेशनल चैलेंज, देखिए हरियाणा टीवी जिस मुद्दे को उठा रहा है, हरियाणा न्यूज, उसको आज नेशनल चैलेंज चैनल उठ को उठा रहे, तो श्रोताओं को यह समझना जरूरी है कि यह चीज बहुत आगे की तरफ अग्रसर है. ठीक है डॉक्टर नेहा, इसी पे मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं, ये क्या सिर्फ सीवियर केसेस में इसको ट्राई किया जाना चाहिए, या ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि बाकी जो लोग इफेक्ट होके आए शुरुआत में ही, अगर उनको ऐसा हम ये प्लाज्मा दे दें तो वो शुरू में ही ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं? देखिए हर कोई भी हम नहीं डरना नहीं है. देखिए कोई भी दवाई होती है उसके कुछ इफेक्ट्स और कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो फिर इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि जब हम कोई दवाई यूज करें तो उसका बेनिफिट हमेशा उसके साइड इफेक्ट से ज्यादा हो. ठीक है, तो अब हमें पहले ये तो देखना है कि कोरोना वायरस में, COVID-19 में, हमें ये पता है कि हाँ 80% केसेस में इधर इट्स एसिम्टोमेटिक और इट्स जस्ट अ माइल्ड इलनेस. ठीक है, मतलब ठीक हो जाता है. फिर आपको 15% केसेस में डेफिनेटली थोड़ा सीवियर इलनेस होती है और यूजली ये लोग रिकवर कर जाते हैं. ठीक है, 5% ही केसेस में ऐसा होता है कि आपको बहुत क्रिटिकली इल है और आपको फिर वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ रही है. तो ऐसा अगर हम ये प्लाज्मा जो है पूरे 20% लोगों को देंगे जिनको जरूरत भी नहीं है, तो फिर हो सकता है कि साइड इफेक्ट्स की, मतलब वो उनको जरूरत मोस्टली नहीं रहेगी, दूसरी सपोर्टिव केयर एज वेल एज उनकी बॉडी खुद ही वो बिल्कुल फाइट कर सकती है. ठीक है, तो इसलिए अभी सिर्फ ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए ही रिजर्व किया गया है. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हरियाणा में आज खासतौर से जो सियासी गलियारे हैं उसमें इस बात की चर्चा रही, तो लोगों के लिए भी ये चर्चा सुननी जरूरी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशांत सिंह जी, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सर्वदलीय बैठक में एक बात कही कि शराब के ठेकों को खोल देना चाहिए. उनमें एक तो लॉजिक यही था कि भाई जो लॉस हो रहा है राजस्व का वो थोड़ा सा शायद वो कवर हो जाए, लेकिन दूसरी एक बात लगातार वो ये कह रहे थे कि भाई जिनको आदत है उनके लिए परेशानी है. आपको लगता है आप तीनों को एक एक करके, डॉक्टर वत्स, इस वक्त खोल देना चाहिए शराब के ठेकों को? देखिए शराब के ठेके खोले ना खोले इसका इकोनॉमी और इकोनॉमी की बात नहीं है.
पर स्वाभाविक रूप से जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं बाकी लेते हैं, अगर उनको वो चीज नहीं मिलेगी तो थोड़ा वो स्ट्रेस में तो आएंगे, और अगर स्ट्रेस में आएंगे तो थोड़ा गड़बड़ भी होने के चांसेस हैं। अगर खोल भी देंगे तो कोई बुराई नहीं है, जब आपने मेडिकल स्टोर खोले हैं, हम जरा बचपन दवा दारू सब एक साथ कर दिया आपने, तो इसलिए अगर खोलते ये कोई बहुत तो ये कोई खास बड़ा इश्यू नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसके बंद होने के कारण कुछ इस तरह की गलतियां, जैसे कई बार होता है कि वो दारू बनाने के अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं और फिर अननेचुरल मेथड से जो दारू आती है उससे मास लेवल पे कैजुअलिटीज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अगर कोई मेथोडोलॉजी निकाली जाए तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस मुद्दे के ऊपर बहुत चर्चा करने का विषय हो। ठीक है डॉक्टर भार्गव। सो अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए, देखिए हमें राजस्व और इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा ना हम उसमें डिटेल में जाएंगे, पर अगर प्राइमा फेसी देखा जाए ये समय ऐसा है जिसमें हमारे को ठेके नहीं खोलने चाहिए। सिंपल सी बात है, लोग शराब पियेंगे, मालूम नहीं किस प्रकार से उनको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाए और उनके साथ में अस्पतालों की संख्या में इजाफा हो जाए मरीजों की, और इसी प्रकार से लोग बैठेंगे, ऐसा भी नहीं है कि लोग अकेले पियेंगे, लोग साथ में बैठेंगे तो कोरोना वायरस का लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे। तो अभी लगता है कि जो यथास्थिति चल रही है हमने 15 दिन निकाल लिए हैं, इसी प्रकार से जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता हमें शराब के ठेकों को बंद रखना चाहिए। मैं भी डॉक्टर राहुल से एकदम जो वो बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। मेरे ख्याल से भी आई थिंक फर्क तो पड़ता है, जिन लोगों को आदत रहती है उन लोगों को उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर हम पूरे ओवरऑल देखें तो आई थिंक ये बेटर रहेगा कि अभी ना खोला जाए। ठीक है, एक बात और जो निकलकर सामने आई थी, वो एक हमारे एक्टर हैं, उन्होंने बहुत पहले ट्वीट करके कहा था कि ऋषि कपूर साहब की बात कर रहा हूँ, आई नो कि खोल देना चाहिए, होम डिलीवरी करा दीजिए। वो शायद फन में बोला था, पर इसके लिए देखिए सबसे बात है कि हम दो हफ्ते तीन हफ्ते शराब का सेवन नहीं करेंगे तो मृत्यु नहीं होगी, जान नहीं जाएगी, ये जानना आवश्यक है। बट अगर हम पीते हैं बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। आज भी देखिए मुंबई से जो डेटा आया है उसमें 35 साल 38 साल 42 साल के लोगों की मृत्यु हुई है, उनका एक कॉलम में हाइपरटेंशन। तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों की मृत्यु हो रही है, अगर कोरोना फैलता है बॉडी की इम्यूनिटी कम रहती है तो अल्कोहल एक उसका कारण ना बने, हमारे को ये ध्यान रखना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। डॉक्टर वत्स कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर वत्स आप कुछ कहें, उससे पहले मैं एक अपना सवाल दाग देता हूं। ये दोनों तरफ से जो है हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा बताते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पीने वाले हैं उनको नहीं मिलेगा तो फिर खतरा हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पी के कहीं गिर गए, चोट लग गई, कुछ हो गया, मारामारी कर ली, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, वहां इन्फेक्शन का खतरा, वहां से लेके आ जाएंगे घर, चक्कर क्या है ये? डॉक्टर वत्स बोलिए। डॉक्टर वत्स की ऑडियो नहीं आ रही है, इसको जरा चेक करिए। ठीक है, डॉक्टर वत्स का ऑडियो फिर दोबारा जुड़ जाए तो इस पर हम उनका कमेंट लेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत थोड़ा सा वक्त बच गया है। डॉक्टर नेहा एक बात बताइए कि डॉक्टर्स का जो जिक्र किया शुरुआत में डॉक्टर अजय गुप्ता ने कि डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, इनमें जब इन्फेक्शन आने लग जाए तो क्या कारण है, आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पीपीई किट्स सफिशियंट है, N95 मास्क सफिशियंट है, हमारे पास ग्लव्स सफिशियंट है, फिर ये क्यों हो रहा है? क्या ये लापरवाही से हो जाता है या कोई और कारण है? गौरव मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास पीपीई सफिशिएंट मात्रा में नहीं है। किसी भी वर्ल्ड में आप देखिए, यूएस हो, इटली हो, हर जगह सबसे ज्यादा जो बात की जाती है वो इसी बात की जाती है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग N95 मास्क, इसके अलावा फेस शील्ड भी होना चाहिए ताकि इवन कोई स्प्लैश आपके आंखों में ना आ सके, ये सबकी कमी रही है। तो हमारे देश में भी यही है और इसी वजह से इसका काफी जगहों पे उत्पादन भी लोगों ने फैक्ट्रीज डाल दी हैं और काफी मास्क और पीपीई वगैरह भी ज्यादातर
मतलब भारी मात्रा में फिर से उत्पादन किया जा रहा है. साइंटिस्ट वगैरह हैं डीआरडीओ के एंड इवन इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बिसाइड्स पीपी इवन मैकेनिकल वेंटिलेशन ये सब भी वेंटिलेटर का भी उत्पादन शुरू किया है. तो अगर हम देखें कि किस तरह से हेल्थ केयर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स नर्सेज या फिर इवन जीडीए जो होते हैं जो कर्मचारी होते हैं ये क्यों इन्फेक्शन इनमें होता है तो दो तरीके से हो सकता है या फिर इनको इन्फेक्शन ये किसी के क्लोज कांटेक्ट में आए हो जिसको कि इन्फेक्शन हुआ हो मतलब हॉस्पिटल से नहीं है बट बाहर से है और फिर आके ये काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में और पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो और दूसरा ये हो सकता है कि ये किसी कोविड 19 पॉजिटिव केस को देख रहे हो या फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आया जैसे मैंने बताया आपको कि एमआई मतलब हार्ट अटैक के साथ आया या फिर स्ट्रोक के साथ आया जैसे कि अभी एम्स में हुआ था और मुंबई में भी हुआ था. पेशेंट आया तो किसी और वजह से उस टाइम पे पता नहीं था फिर जो डॉक्टर्स है उन्होंने एग्जामिन किया मे बी नॉट बाय वेयरिंग अ पीपी क्योंकि तो फिर उससे उनको इन्फेक्शन हो गया. ठीक है डॉक्टर गुप्ता कुछ कहना चाह रहे थे. डॉक्टर गुप्ता आना चाहता था कुछ हद तक तो डॉक्टर नेहा ने बताया है कि ये कारणवश दोनों कारण बिल्कुल ठीक है कि पीपीई की शॉर्टेज बिल्कुल है. सरकार ने लेकिन अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है. दिल्ली सरकार कल केजरीवाल साहब ने भी इस पॉइंट को रेज किया था. सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को 27,000 पीपीई किट देने वाली है. तो डेफिनेटली जितने हमारे पॉपुलेशन है जितना हम थिएटर कर रहे हैं जितने हॉस्पिटल में उसको कम्बैट करने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में पीपीई कम है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर नेहा ने की है उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कई बार पेशेंट किसी और बीमारी से आता है जैसे स्ट्रोक से आया है हार्ट अटैक से आया है या कि पैरालिसिस से आया है किसी और बीमारी से है जिसमें लगता नहीं है कि उसको कोरोना हो सकता है. हो भी सकता है कि N95 मास्क नहीं पहना हो और पीपीई नहीं पहना हो और वो बाद में कोविड पॉजिटिव निकलता है. तो इस चक्कर में भी हो सकता है कि डॉक्टर वो कुछ डॉक्टर और कुछ नर्सेज पॉजिटिव आ सकते हैं. ठीक है सर क्योंकि टाइम मेरे पास कम है बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है. एक हो सकता है ये सवाल बहुत किडिश लगे लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम ये पीपीई किट जो बार बार कह रहे हैं अगर हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो होती है हमारे पास उसका कोई ऐसा ड्रेस बना दे तो उसमें क्या प्रॉब्लम वायरस उसके अंदर कैसे जाएगा. डॉक्टर राहुल सर देखिए पीपीई का मतलब ये वो क्या है. पीपी बेसिकली एक मोडालिटी है जो आपकी एयर कॉन्टैक्ट से बचाता है. देखिए मेरे को हाथ लगाने से वायरस नहीं जा रहा मेरा वायरस मैं सांस ले रहा हूं आपके पास हूं एग्जामिन कर रहा हूं तो मेरे सांस से भी वायरस जा रहा है. तो जब हम पीपी पहनते तो गॉगल होता है मास्क होता है आपके पास गाउन होता है और यहां पूरा कवर्ड होता है तो जाके पेशेंट की मैं कह रहा हूं वैसा ही अगर एक प्लास्टिक की शीट का बना दिया जाए और जहां जहां उसके जॉइंट्स है वहां अगर टेपिंग कर दी जाए तो उसमें और इसमें मतलब पीपीई को लेकर जो इतना हाई तोबा है क्या बहुत सारे है? क्या बहुत सारे इनोवेटिव तरीके निकाले जा रहे हैं पीपीई बनाने के बट आपको यह समझना है कि वो फुल प्रूफ होना चाहिए जहां से एयर का ट्रांसमिशन अंदर की तरफ ना हो. कि अगर एयर का ट्रांसमिशन मेरा उसकी तरफ जा रहा है और उसका मेरी तरफ आ रहा है तो पीपीई अपना मकसद खो जाएगा. अब आप उसको प्लास्टिक से कर लीजिए या किसी भी चीज से कर लीजिए उसका पर्पस इतना है कि आप में और मरीज में कांटेक्ट इस प्रकार का हो कि जो वो सांस ले रहा है वो उसकी सांस आप तक ना पहुंचे ताकि वायरस आपके पास ना पहुंचे. इस डिबेट को कल करेंगे. ये डिस्पोजेबल मटेरियल से होना चाहिए वो बिकॉज आपको डिस्पोज ऑफ भी तो करना है और काफी कुछ चार्जेस या फिर आप इसको रीयूज या रीस्टरलाइजेशन करें. ठीक है चलिए अब जल्दी से मेरे पास सिर्फ एक मिनट है इसलिए 10-10 सेकंड का चाहूंगा रिएक्शन. डॉक्टर वत्स जल्दी से 10 सेकंड है फाइनल कमेंट. देखिए फाइनल कमेंट ये है कि मेरा फिर सभी पूरी पब्लिक के साथ एक ही अनुरोध है कोरोना वायरस से लड़ना है तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है संयम और संकल्प. ठीक है संकल्प यह है कि कोरोना वायरस की आइडेंटिफिकेशन. सर माफी चाहूंगा इतना वक्त नहीं. डॉक्टर गुप्ता जल्दी से आप भी लास्ट कमेंट. लड़ाई लंबी है हौसले बुलंद है इंशाअल्लाह हिंदुस्तान कोरोना वायरस से जीतेगा. ठीक है डॉक्टर राहुल बिल्कुल सही कहा आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं ये तपस्या आपकी जरूर सफल होगी और हम कोरोना वायरस को हरा के मानेंगे. ठीक है डॉक्टर नेहा जी मैं यही कहूंगी कि जान है तो जहान है कोई रोड पर ना निकले.
चलिए, जाने तो जा रहे हैं, घर से बाहर ना निकलिए, घर से बाहर जाएंगे न्योता देंगे, इनविटेशन कार्ड छपवा के, तभी ये वायरस आपके घर में आएगा, वरना अगर घर पे रहेंगे तो आपके दरवाजे पर आके दस्तक नहीं देगा कि मुझे घर के अंदर आने दो। तो होशियार बने, समझदार बने, घर के अंदर रहें और जान बचाएं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। Thank you.